क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक्चुअल में अगर पैसा बना रहा है कोई, तो वो मीम कैटेगरी के अंदर बना रहा है। और मीम कैटेगरी ही एक ऐसी कैटेगरी है जो पैसा बना के दे रही है अपने होल्डर्स को, अपने ट्रेडर्स को, अपने लवर्स को, अपने सपोर्टर्स को। और मीम कैटेगरी ये भी नहीं है कि आप किसी भी मीम कॉइन में इन्वेस्ट कर दो और आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। और आज हम बात करेंगे, क्या मीम सीजन कभी ख़त्म होगा ही नहीं? क्योंकि 2021 के बुल रन में शिबा इनू, डॉज कॉइन, तब भी मीम कॉइन्स ने अपने जलवे दिखाए थे, है ना। फ्लॉकी इनू की बात करें, बहुत सारे मीम कॉइन्स आए थे 2021 में, और 2024 में मीम कॉइन्स का वही सीजन चला। लेकिन इस बार जो मीम कॉइन्स थे वो सोलाना के मीम कॉइन्स थे। डॉज वेव हैट की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें सिली की, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं सोलाना के ऊपर, ऐसे मीम कॉइन्स हैं जिन्होंने अच्छे जलवे दिखाए अपने। बॉन्ग की बात कर लें, लेकिन क्या ये मीम कॉइन्स का सीज़न ख़त्म होगा या नहीं होगा? और हमें अगर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट में ना ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। मीम कॉइन्स का सीज़न ख़त्म ही नहीं हो रहा। पहले इथीरियम के मीम कॉइन्स, उसके बाद सोलाना के मीम कॉइन्स, और अब ट्रॉन के मीम कॉइन्स। ट्रॉन का इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। ट्रॉन के प्राइस बढ़े, ट्रॉन का मार्केट कैप बढ़ा, ट्रॉन रैंक में 10 नंबर पे आ गया, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रॉन के ऊपर पिछले 24 घंटे के अंदर अगर हम देखें तो 7,000 से 8,000 टोकन क्रिएट हुए। पिछले 24 घंटे का नंबर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ सोलाना के राइवल से, मतलब सोलाना का राइवल है ट्रॉन, ठीक है। और सोलाना पे जो मीम कॉइन्स आते हैं उसको भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया अब ट्रॉन ने। तो क्या अब एक जो सीज़न शुरू हो रहा है वो ट्रॉन का सीज़न शुरू हो रहा है? क्या ये सीज़न प्री प्लान था कि सोलाना के सीज़न के बाद शुरू किया जाएगा ट्रॉन का सीज़न? मतलब मीम कॉइन्स का सीज़न कंटिन्यू चल ही रहा है, चाहे किसी के भी मीम कॉइन्स हो, सोलाना के हों, इथीरियम के हों, स्टार्टिंग से, है ना, सबका टाइम आ रहा है। और ये जो ट्रॉन का सीज़न है, ये जो शुरू हुआ है, बिल्कुल शुरू हुआ है, क्योंकि ये एक नया सीज़न है और मुझे लगता है अभी स्टार्टिंग फेज के अंदर है, बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग में ही आपने देखा बहुत सारे कॉइन्स, सन कैट की बात करूँ, सन डॉग की बात करें, ये ट्रॉन इकोसिस्टम के मीम क्रिप्टोकरेंसीज हैं। और मीम में ही पैसा बड़े बड़े वेल्स बना रहे हैं, क्योंकि ये मीम क्रिप्टोकरेंसीज हज़ारों परसेंट पंप हो चुकी हैं कुछ ही दिनों में। तो मुझे लगता है आपको सन पंप डॉट मीम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखो, मीम कॉइन्स रिस्की होते हैं नए, क्योंकि धड़ल्ले से मार्केट में आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, धड़ल्ले से कॉइन आ रहे हैं। 7,000 मैंने आपको कहा कि 7,000 से 8,000 टोकन क्रिएट हुए 24 घंटे में। ज़रूरी नहीं है कि 7,000 से 8,000 कॉइन्स सब आपको हज़ारों परसेंट के रिटर्न दे दें। कुछ दे सकते हैं, कुछ रिटर्न्स दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए, थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर से डंप या उनकी कोई हलचल नहीं होती। ये आपको रिसर्च करके पता चलेगा कि किस कॉइन में हम छोटा सा अमाउंट डालें तो उसमें अच्छा खासा बने और आगे जाके वो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी हो। जैसे सन डॉग में जिन ट्रेडर्स ने, जिन वेल्स ने स्टार्टिंग में पैसा डाला, प्राइस किल हुआ, 4-0 किल की, 70,000% जंप हुआ, तो वही सन डॉग अब बहुत सारे एक्सचेंजेस पे भी आ रहा है। बिटगेट ने भी उसको लिस्ट किया, पोलोनिक्स ने भी लिस्ट किया। तो कुछ इस तरह का आप माइंड में लेके चलिएगा कि मैं जिस कॉइन में पैसा लगा रहा हूँ, एक तो लो इन्वेस्टमेंट आपको रखना पड़ेगा और उसमें लगाइएगा जो आगे जाके एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता, कि जब जब लिस्टिंग होगी उसकी, तब तब प्राइस बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा होंगे, तब तब वॉल्यूम आएगा। और ये तब होगा जब वो कॉइन अच्छा जंप करेगा, क्योंकि जब वो हलचल में आएगा, जब वो मार्केट की हलचल में आएगा, ट्रेंड करेगा, तभी एक्सचेंजेस उसको लिस्ट करेंगे। और ट्रेंड कर तभी करेगा जब उसका प्राइस बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, मीम कॉइन्स का सीज़न ख़त्म नहीं हो रहा है, ना ही होने वाला है, जिस तरह से हालात बने हुए हैं। और ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन है कि मीम कॉइन्स में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मीम कॉइन्स को एक टाइम पर रिस्की समझा करते थे, लेकिन यही मीम कैटेगरी आज के टाइम में $1 के भी $1 million बना रही है, $10 के, $100 के भी $1 million बना रही है। और कोई कैटेगरी, ऐसा कोई कॉइन नहीं है जो आपके $100 को $1 million बना दे फटाफट, जल्दी से जल्दी। तो अगर आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहते हो,
तो जल्दी से जल्दी में लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट जो रूल है नए मीम क्रिप्टो करेंसीज पे फोकस करने का, रिसर्च तो जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ आपको एक इन्वेस्टमेंट का जो बजट है वो आपको लो रखना पड़ेगा। किसी भी मीम कॉइन्स में आपने अच्छी रिसर्च कर लिया तो आप ज्यादा से ज्यादा $20 $30 ठीक है इतना डाल के उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर वो 1000% पंप करेगा तो 20-30 से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। देखो बड़ी रकम डालना मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की है, हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न मिल जाए बड़ी रकम पे, आपको हो सकता है आप जल्दी फटाफट करोड़पति बन जाए, लेकिन बड़ी रकम में रिस्क ज़्यादा है क्योंकि जितना ज़्यादा पंप आता है उसके साथ वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है इन कॉइन्स में, ठीक है। तो आपको समझ के चलना पड़ेगा, लो इन्वेस्टमेंट रखिए, होल्ड कीजिए सही टाइम तक, लो इन्वेस्टमेंट से भी आपके बड़े रिटर्न्स मिल जाएंगे। मीम कॉइन्स पे फोकस करना पड़ेगा। ट्रॉन का मीम सीजन शुरू हो चुका है और इस बार का जो बुल रन है वो हो सकता है ट्रॉन मीम कॉइन्स का हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो अपडेट्स होंगे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।